नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आर के इंडिया में। तो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इलाहाबाद बैंक के कस्टमर हैं तो आप भी बहुत ही परेशान होंगे पैसा जमा करना या पैसा निकालने के सिलसिले। ना तो आप ATM का प्रयोग कर पा रहे हैं, ना ही आप ऑनलाइन किसी भी बैंकिंग एक्टिविटी को, और ना ही उनका नेट बैंकिंग चल रहा है। जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, और बड़ी सी बात तो ये यहाँ तक है कि हमारा EMPAR भी बंद हो गया। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे बैंक द्वारा पहले ही सूचना मिल गई थी। तो चलिए, हमको सूचना पहले मैसेज के माध्यम से आया था बैंक की, इलाहाबाद बैंक की तरफ से, आपको दिखला दे रहे हैं हम कि वो मैसेज क्या था। तो हमारा मैसेज इस प्रकार आपके मोबाइल पर भी आया होगा। ये 12 तारीख का मैसेज था, देखिए, डियर कस्टमर ड्यू टू सीरियस इंटीग्रेशन, ऐसे भी मैसेज आया था पहले। तो हमको ये सूचना मिली कि 12 तारीख से आपका ऑनलाइन एक्टिविटी जितनी भी होगी बैंकिंग से लेन देन, वो बंद कर दी जाएगी, और 15 तारीख तक ये हमारा काम बंद रहेगा। जो हमारा पहले ही से सूचना मिल गई थी कि 12 से 15 फरवरी तक के बीच में माइग्रेशन का प्रोसेस होता है आफ्टर मर्ज, ताकि इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मिलाया जा सके। यह काम पूरा हो गया है, तो आपको हम उसी एप्स के बारे में बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको पास पहुंच जाए। तो वीडियो कर दीजिए लाइक अभी से। तो चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। डाउनलोड करने हैं वही ऐप्स। तो चलिए हम अपना खोलते हैं प्ले स्टोर। प्ले स्टोर ओपन हो जाने के बाद उस पर हमको लिखना है इंडियन बैंक बैलेंस इंक्वायरी, या आप इंडियन बैंक भी लिख सकते हैं। इंडियन बैंक लिखने के बाद ये इंडिया ICICI बैंक ये दिखलाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना। अगर आपको इतना पाने में तकलीफ हो, केवल लिख देना है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक लिखने के बाद हमारा इस तरह इंटरफेस, इसको इंस्टॉल नहीं करना है, हमको करना है इसको इंडियन ICICI बैंक जो दिखलाई रहे इंडियन ICICI, इसको करना है इंस्टॉल। हम कर दे रहे हैं इंस्टॉल इसको। ये हमारा डाउनलोड हो रहा है फ्रेंड्स, देखते हैं। इसके लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, हमारा नेट स्लो है थोड़ा। ये हमारा डाउनलोड हो रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे। अगर वीडियो आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि हमको भी पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है, कैसा आपको। अगर वॉइस अगर क्लियरली आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बतला दीजिए, हम दूसरी तरह आपको वीडियो बनाने की कोशिश में करेंगे, अगर वॉइस हमारा सही नहीं जा रहा है तो। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा ऐप्स इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड हो गया, डाउनलोड का प्रोसेस फुल हो गया, अब हमारा ऐप्स इंस्टॉल हो रहा है। तो ऐसा इंटरफेस आएगा आपके, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको स्कैनिंग कर लेना है। तो स्कैनिंग हो गया हमारा, इसको आप ओपन करना चाहते हैं तो यहीं से कर सकते हैं, नहीं तो आपको बैक कर, तो हम यहीं से कर रहे हैं अपना ऐप्स इंस्टॉल ओपन, सॉरी फ्रेंड्स इंस्टॉल बोल दिए ओपन। तो इस तरह का आपको आपके बीच इंटरफेस आएगा, तो इसको इस पर क्लिक करना है इलाहाबाद बैंक। थोड़ा इस ऐसा आपको पॉपअप आएगा, तो आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद आएगा लैंग्वेज चूज करने के लिए, आपको जो भी लैंग्वेज आप यहाँ से हैं आप वहाँ से कर सकते हैं, बहुत सारा लैंग्वेज आएगा, तो हमको रहने देना है इंग्लिश में। इंग्लिश में प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, और ऐसा आपका इंटरफेस आएगा। इसमें बताया गया है कि आपका जो भी नंबर है आपको इलाहाबाद में जो दिए थे पहले, आप वही नंबर मोबाइल में रहना चाहिए और चालू रहना चाहिए, ताकि मोबाइल इस एप्स को वेरिफिकेशन करने के लिए लेता है और वेरिफिकेशन कर देता है। हम ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पूछ रहा है CICF नंबर, तो CICF नंबर आप अपने पासबुक पर देखिएगा, CICF नंबर होगा वो 3 से स्टार्ट होगा, और 4
ऐसे ही स्टार्ट होगा तो हम अपना CISF नंबर डाल देते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने पासबुक के जैसे आप पलटेंगे फर्स्ट ही पेज पे, जिस जहाँ पे अकाउंट नंबर IFSC कोड रहता है उधर ही आप देखिएगा CISF नंबर होगा, CIF नंबर होगा, जो कि नंबर आप अपने पासबुक में देख सकते हैं। जहाँ पे CISF नंबर होगा वही CISF अपना नंबर डालते हैं, 11 अंक का होता है। चलिए हम अपना CIF नंबर डालते हैं। तो CIF नंबर डालने के बाद आपको सेंड SMS पर क्लिक कर देना है। सेंड SMS पर क्लिक करेगा ऐसा पॉपअप आएगा, आपको यहाँ पे अलाउ पर क्लिक कर देना है। ऐसा इंफॉर्मेशन मैसेज आपको, फ्रेंड्स हाँ, आप डाटा ऑन रखना है। तो आपको अपना CIF नंबर फ्लिप करके आपको सेंड SMS पर क्लिक कर देना है और ऐसा आएगा इस मोबाइल डाटा ऑन रखना है। ये आपको बतला रहे तो हमारे ये नहीं हो रहा है, लगता है आपका CIF नंबर भी बदल दिया गया है इंडियन बैंक के थ्रू। तो हमको जाना पड़ेगा अपने बैंक में, जिसके लिए आपको पता लग चल सके कि आपका CIF नंबर बदला गया है या वही है। तो वीडियो के करते हैं यहीं पे ख़त्म, हमको जाना पड़ेगा अपने बैंक में। तो आप भी अपने बैंक में चले जाइए और वहाँ से पता कर लीजिए कि CIF नंबर बदला है या वही है। तो इस एप्स में यहाँ तक हम आपको बता दिए, अगर हमको पता चल जाए तो अगली वीडियो में हम आपको बतला देंगे।